अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने इजरायली प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान गाजा में जारी युद्ध में आम लोगों की मौत की घटनाओं समेत मानवीय पीड़ा को रेखांकित करते हुए हैरिस ने कहा कि इजरायल को आत्मरक्षा करने का अधिकार है, लेकिन मायने ये रखता है कि वह अपनी रक्षा किस तरीके से करता है। हैरिस ने अमेरिका के राष्ट्रपति के आधिकारिक आवाज़ एफ कार्यालय व्हाइट हाउस परिसर के आइजनहावर कार्यपालिका कार्यकालय भवन में नेतान्यू से मुलाकात की। कमला हैरिस ने इस मुलाकात के तत्काल बाद संवाददाताओं से कहा, मैंने ये कई बार कहा है लेकिन इसे दोहराना ज़रूरी है, इसराइल को अपना बचाव करने का अधिकार है और वह ऐसा किस तरीके से करता है ये मायने रखता है। हमास एक क्रूर आतंकवादी संगठन है। हमास ने 7 अक्टूबर को 44 अमेरिकियों सहित 1200 निर्दोष लोगों की हत्या कर इस युद्ध की शुरुआत की। हमास ने यौन हिंसा के भयानक कृत्य किए हैं और 250 लोगों को बंधक बनाया है। ऐसे अमेरिकी नागरिक है जो गाजा में बंदी बने हुए। हैरिस ने कहा, मैंने वहाँ की भयावह मानवीय स्थिति के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त की है। वहीं 20 लाख से अधिक लोग खाद्य सुरक्षा और 5 लाख लोग गंभीर स्तर की खाद्य सुरक्षा का सामना कर रहे हैं। पिछले 9 महीने में गाजा में जो कुछ हुआ है वह विनाशकारी है। हैरिस ने कहा, कई मामलों में दूसरी तीसरी या चौथी बार विस्थापित होने के बाद सुरक्षा के लिए भाग रहे हताश भूखे लोगों और मृत बच्चों की तस्वीरें हैं। हम इन त्रासदियों के सामने आंखें नहीं मूंद सकते। मैं चुप नहीं रहूंगी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने कहा कि युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई के समझौते को लेकर वार्ता जारी है। उन्होंने कहा कि समझौते के पहले चरण में पूर्ण युद्ध विराम होगा, जिसके तहत गाजा के आबादी वाले केंद्रों से इजरायली सेना की वापसी होगी और दूसरे चरण में इजरायली सेना गाजा से पूरी तरह से पीछे हट जाएगी और इससे शत्रुता का स्थायी अंत होगा। उन्होंने कहा, इस युद्ध को समाप्त करने का समय आ गया है और यह इस तरह से समाप्त होना चाहिए कि इसराइल सुरक्षित हो, सभी बंधकों को रिहा किया जाए, गाजा में फिलिस्तीनियों की पीड़ा समाप्त हो और फिलिस्तीनी स्वतंत्रता, गरिमा एवं आत्मनिर्णय के अपने अधिकार का प्रयोग कर सके। इस समझौते को लेकर वार्ता में आशाजनक प्रगति हुई है। हैरिस ने कहा, मैंने प्रधानमंत्री नेतान्याहू से अभी कहा कि इस समझौते को करने का समय आ गया है। जो लोग युद्ध विराम और शांति चाहते हैं, मैं उन्हें देख रही हूँ और सुन रही हूँ। आइए हम ये समझौता करें ताकि हम युद्ध समाप्त कर सकें, बंधकों को घर वापस ला जा सके और फिलिस्तीनियों को अत्यावश्यक राहत प्रदान की जा सके।